जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसी एडुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम नया कुछ सीखते हैं, बेसिक सीखते हैं, ठीक है। इसका यूज नंबर सिस्टम में भी है, आगे भी है, पूरे कंपटीशन का जितना सिलेबस मैथ में पढ़ना है कहीं ना कहीं इसका यूज आते रहता है। और खास करके नंबर सिस्टम में तो है ही एक चैप्टर पढ़ना जिसका जिसमें इसका पूरा पूर्ण यूज है, तो इसको हम समझते हैं अच्छे से। देखिए, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। चलिए शुरू करने से पहले एक बार बता दूं, जो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। विभाज्यता का नियम, ये क्या कहता है नियम, ठीक है। ये नियम कहता है कि यह पता चले, ठीक है, इस नियम से, जिस नियम से यह पता चले, कोई ऐसा नियम है, कोई ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिससे हमें बिना भाग दिए पता चल जाए कि ये दो से पूर्ण विभाजित होगा, ये चार से, ये तीन से, ये पांच से, ये सात से, आठ से, दस से, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, किसी से भी। हम पढ़ेंगे फिलहाल दो से लेकर पंद्रह तक की संख्याओं का नियम पढ़ेंगे कि बिना भाग दिए हम जान जाएं कि यह दो से पूर्ण विभाजित होगा, ठीक है। तो ये नियम यही कहता है, जैसे जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं है, उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। जैसे देखिए, मैं एक संख्या लिखता हूं 2, 7, 8, 5, 7, 3, 8, और मैं बोलूंगा ना ये दो से विभाज्य है, दो से पूर्ण विभाजित हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, हमने भाग दिया, इसमें नहीं दिया, लेकिन हम डायरेक्ट आपको बता दिया ये क्या है, विभाज्य है, कितना से, 2 से। जैसे और संख्या लिखते हैं 3, 7, चलिए इसको देख देते हैं 3, 6। चलिए अब हम इसको देखिए, इसको हम तुरंत बता देंगे कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। चलिए हम देखिए बिना भाग दिए बता देते हैं, 7, 3, 10, 10, 5, 15, 15, 3, 18, 18, 6, 24, कितना होगा, 18, 6, 24। एक बार और जोड़ लीजिए, 6, 3, 9, इधर से भी 6, 3, 9, 9, 5, 14, 14, 7, 21, 21, 3, 24, ये क्या होगा, 3 से पूर्ण विभाजित होगा। मैंने केवल इन सभी संख्याओं को जोड़ के ये बता दिया कि ये पूर्ण विभाजित होगा, इसमें हमने 3 से पूर्ण विभाजित होगा, ये 3 से पूर्ण विभाजित होगा, ये 2 से पूर्ण विभाजित होगा, हमने तुरंत बता दिया। चलिए एक संख्या लिखते हैं और इधर लिख लेते हैं 7, 3, 2, 1, 5, हम बोलेंगे ये 2 से पूर्ण विभाजित नहीं है। देखिए मैंने सेकंडों में बता दिया ना, कुछ ट्रिक है, हम एक नियम से पता चल जा रहा है हमको, हम नियम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उस नियम से हमें पता चल जा रहा है कि ये 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होगा, ठीक है, ये 2 से भाग करेंगे तो पूर्ण विभाजित नहीं होगा। और संख्या लेते हैं 3, 7, 5, 6, 9, चलिए सॉरी, चलिए यह कितना है, 37,569। अब हम इसको चेक करते हैं ये 3 से पूर्ण विभाजित है कि नहीं, तुरंत मैं चेक कर दूंगा, 7, 3, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21 और 21, 9, 30, ये 3 से पूर्ण विभाजित है। कैसे पता चला हमें, केवल जोड़ के पता चल गया कि 3 से ये पूर्ण विभाजित है कि नहीं, ये पूर्ण विभाजित है। तो ये बिना भाग दिए एक ऐसा नियम जिससे बिना भाग दिए हमें पता चल जाए कि वो संख्या पूर्ण विभाजित है कि नहीं, ठीक है, 3 से, 2 से, 5 से, 7 से, 9 से, 10 से, 11 से। तो हम डिस्कस करेंगे फिलहाल 2 से लेके 15 तक की संख्या, यानी 2, 3, 4, 5, 6, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इन सारों संख्या के बारे में हम डिस्कस करेंगे, नियम इसके बारे में पढ़ेंगे, कौन सा ऐसा नियम है जिससे पता चल जाए कि ये 2 से पूर्ण विभाजित है या नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। फिलहाल वीडियो को पॉज करिए और डेफिनेशन को नोट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं 2 से पूर्ण विभाजन का नियम। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 2 से विभाज्य का नियम, ठीक है, विभाज्यता का नियम क्या कहता है। जिस संख्या का इकाई अंक 2, 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी अंक हो, कोई भी एक हो, ठीक है, कोई भी अंक हो, इसमें से कोई भी अंक इकाई के स्थान पे हो, वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी, ठीक है, पूर्ण विभाज्य होती है। जैसे देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4, 6, 7, 5, 2, 3, 6, ये क्या होगा, 2 से पूर्ण विभाजित होगा कि नहीं, आप देख के बता देंगे। लास्ट में क्या है, 6 है,
जीरो हो, दो हो, यानी इकाई का स्थान देखिए, इकाई का स्थान क्या है, छह। इकाई का स्थान पर जीरो, दो, चार, छह, आठ, इनमें से कोई भी हो तो वो दो से पूर्ण विभाजित होगी, ठीक है। तो यहाँ चार, छह, सात, पांच, दो, तीन, छह, लास्ट में क्या है, इकाई अंक क्या है हमारा, छह है, तो ये दो से पूर्ण विभाजित होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। भागा दो, तो ये पूर्ण विभाजित होगी कि नहीं, यहाँ देख लेते हैं, पूर्ण विभाजित, पूरी पूरी विभाजित देख लेते हैं, पूरी पूरी विभाज होगी कि नहीं, ठीक है। तो ये दो से होगी, बिल्कुल होगी, चलिए टिक मार्क कर देते हैं। और देखते हैं एग्जाम्पल, सात, पाँच, तीन, दो, सात, आठ, दो से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, आठ है। चलिए और देखते हैं, थ्री, सेवन, टू, वन, फाइव, फोर, दो से होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इकाई स्थान क्या है, चार है, चार हो तो दो से पूर्ण विभाजित होगी। सात, तीन, दो, एक, जीरो, दो, दो से होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इकाई का स्थान क्या है, दो है, तो दो से पूर्ण विभाजित होगी। और भी देखते हैं, थ्री, सेवन, फाइव, टू, जीरो, दो से पूर्ण विभाजित होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इकाई का स्थान क्या है, जीरो है। और भी क्वेश्चन लेते हैं, सात, तीन, दो, एक, सात, दो से विभाज होगी पूर्ण, नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि इकाई का स्थान सात है, और इकाई का स्थान कितना होना चाहिए पूर्ण विभाजन के लिए, जीरो, दो, चार, छः, आठ, ये होने चाहिए। तो हम मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही ट्रिक अपनाई करते हैं, यही नियम अप्लाई होता है, बिना भाग दिए हम समझ जा रहे हैं कि पूरी पूरी विभाज्य है कि नहीं है, ठीक है। यही होता है दो से विभाज्यता का नियम, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, इसके बाद तीन से देखते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं तीन से विभाज्य का नियम। तीन से विभाज्यता क्या कहता है, जिस संख्या के अंकों का योगफल तीन से विभाज्य हो, ठीक है, वह संख्या तीन से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल देखें तो क्लियर हो जाएगा, तीन, सात, दो, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, इसको हम भाग दे रहे हैं तीन से, है कि नहीं चेक करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम सिंपल तीन से विभाज्य हो कि नहीं चेक कर लेते हैं। तीन को तीन प्लस सात प्लस दो कितना आया, कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, सात, तीन, दस, दो, बारह, बारह तीन से विभाज्य है, बिल्कुल है, तीन चौका बारह, तो ये क्या होगी, विभाज्य होगी। चलिए आगे और देखते हैं, सात, पांच, छ, चलिए इसको चेक कर लेते हैं, सात प्लस पांच प्लस छ, सात पांच बारह छ, अठारह, अठारह तीन से विभाज्य होगी, तीन छह अठारह, ठीक है, ये भी होगी पूरी पूरी। हम देखिए ट्रिक से, नियम से पता कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आइए अगला देखते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं, ये है कि नहीं, चार तीन, चलिए यहां लिख लेते हैं, चार तीन सात, सात तीन दस, दस पांच पंद्रह, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया हमने, जोड़ दिया, पांच तीन कितना होगा, तीन पंद्रह कटेगा, तीन से पूर्ण विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। और ले लेते हैं, चार चार, चलिए इसको देख लेते हैं, चार प्लस चार आठ, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह चार पंद्रह, पंद्रह पांच बीस, बीस तीन से विभाजित होगा पूर्ण, नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। बहुत ही जी नियम के थ्रू हम पता कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, ये एक % भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका जवाब जरूर समय मिलते मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो फिलहाल आप वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, इसके आगे देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं चार से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता, जिस संख्या में इकाई और दहाई से बनी संख्या चार से विभाज्य हो, ठीक है, वह संख्या चार से विभाज्य होती है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, चार सात तीन पांच थ्री सिक्स, चलिए इसमें हम इकाई और दहाई से क्या बना है, 36, 36 चार से विभाज्य होगा, बिल्कुल होगा, चार नवा 36, तो पूरी पूरी विभाज्य है, पूरी पूरी विभाज्य, तो ये होगी, ठीक है, क्योंकि 36 याद रखिएगा, इसको चार से भाग देंगे तो क्या होगा, पूर्ण विभाजित हो जाएगा। और देखते हैं, थ्री सेवन फाइव डबल जीरो,
अच्छा, डबल जीरो में चार से भाग देंगे तो पूर्ण विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि चार चार को जीरो से भाग देंगे तो जीरो टाइम में जीरो आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है, चार जीरो होगा जीरो, परे होंगे चार एकम चार होता है तो चार जीरो जीरो होता है, इतना याद होगा सबको। तो यहाँ देंगे तो क्या होगा, ये चार से पूर्ण विभाजित हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, चेक भी कर लीजिए आप, चेक कर लेते हैं, देखिए इस संख्या को चेक कर लेते हैं, चार चार नवा छत्तीस, एक बचा पंद्रह हुआ, चार तिहाई बारह, कितना बचा तीन, तीस हो गया, चार सते अट्ठाईस, दो हुआ बीस हुआ, चार पाँचे बीस, कट रहा है ना, चलिए ये भी क्या होगा, पूर्ण विभाजित। और देखते हैं, ठीक, ये एग्जाम्पल देना जरूरी था क्योंकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए, यहाँ भी जीरो डबल जीरो है जो इकाई और दहाई के स्थान पर, ये चार से पूर्ण विभाजित हो रहा है, कितना टाइम में, जीरो टाइम में, चार में जीरो से चार जीरो में जीरो होता है, पता ही है सब। थ्री फोर फाइव थ्री एट फोर एट ये लेते हैं, चलिए ये दोनों चार से विभाजित हो जाएगा पूर्ण, बिल्कुल होगा, चार एकम चार चार दोनों के आठ, तो ये भी होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, फोर फाइव थ्री टू वन, ठीक है, अब देखते हैं ये 21 चार से विभाजित होगा पूर्ण, नहीं होगा, कट कर देते हैं, यही कह रहा था ना, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई से बनी संख्या, तो इकाई दहाई से ये छह और तीन है, छत्तीस बन रहा है, डबल जीरो बन रहा है, एट और चार अड़तालीस बन रहा है, टू वन इक्कीस बन रहा है इकाई और दहाई से, ठीक है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। और भी मजेदार पांच से भी देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए एग्जाम्पल आपको बिल्कुल एक एक एग्जाम्पल ऐसा दे रहा हूं जो आपको कहीं से कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अभी क्या करिए, इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके, अगला रूल पांच से देखते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, आइए पांच से विभाज्यता का नियम देखते हैं। पांच से विभाज्यता, जिस संख्या का इकाई अंक जीरो या पांच हो, ठीक है, सिंपल लिखा है जीरो या पांच हो, वह संख्या पांच से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल फोर फाइव थ्री सेवन जीरो, इकाई अंक क्या है, जीरो है, तो पांच से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी, टिक मार्क कर देते हैं सामने आपको, क्लियर कॉन्सेप्ट होता चले, पूरी पूरी विभाज्य है ये, पूरी पूरी विभाज्य है। चलिए और संख्या देखते हैं, थ्री सेवन फाइव टू फाइव, लास्ट में क्या है इकाई अंक, फाइव है, तो जीरो या फाइव हो, कोई भी हो, तो विभाजित होगा, सो सिंपल, बहुत मजा आ रहा होगा आपको क्योंकि सेकंडों में पता चल रहा है ना नियम से, थ्री सेवन टू सेवन फाइव, फाइव है होगा भाई, जब फाइव है तो होगा, बोल रहा है जीरो या फाइव इकाई अंक फाइव है तो होगा ही होगा। चलिए और देखते हैं फोर सेवन थ्री सेवन सेवन, इकाई अंक सेवन है, नहीं होगा, सो सिंपल, जीरो और ये फाइव होना चाहिए तभी फाइव से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, छह का नियम देखते हैं अब इसके बाद। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखते हैं छह से विभाज्यता, इसका नियम क्या कहता है, जो संख्या दो और तीन से विभाज्य हो, छह से भी विभाज्य होगा, सो सिंपल, देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहला चलिए देख लेते हैं 12, बहुत सिंपल से चालू करते हैं, पूरी पूरी विभाज्य है कि नहीं, पूरी पूरी विभाज्य है कि नहीं, 12 कैसा संख्या है, 12 एक ऐसा संख्या है जो दो से भी विभाजित होगा और तीन से भी पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है, तो ये क्या है, छह से भी होना ही होना है, देख लीजिए छह दूनी के बारह, सो सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं 36, 36 कैसी संख्या है, 36 दो से भी विभाजित होगा पूर्ण, तीन से भी पूर्ण विभाजित होगा, तो छह से भी होगा ही होगा। चलिए और देखते हैं 4 3 6, थोड़ा बड़ी संख्या है, लास्ट में 6 है, इकाई का अंक 6 है, तो दो से पूर्ण विभाजित होगा, तीन से पूर्ण विभाजित के लिए हम क्या चेक करते थे, तीनों को जोड़ देते हैं, 6 3 9 4 13, तीन से विभाजित होगा ये, नहीं होगा क्योंकि 13 आ रहा है, इसका जोड़ने पे कितना आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 13 आ रहा है, तो ये तीन से विभाजित
नहीं है। दो से तो है लेकिन तीन से नहीं है, तो होगा नहीं होगा। चलिए इस तरह की और संख्या देखते हैं, चार चार, चलिए देखते हैं, पांच ले लेते हैं, पांच ले लेते हैं, चलिए चार तीन सात। देखिए ये दो से नहीं होगा क्योंकि इकाई का स्थान पांच है, इकाई का स्थान जीरो दो चार छह आठ होना चाहिए दो से विभाजित होने के लिए, तो दो से तो नहीं होगा, क्लियर है। तीन से चेक कर लेते हैं, चार तीन सात, सात पांच बारह, तीन से होगा, तीन से होगा लेकिन दो से नहीं होगा, दोनों से होगा तभी छह से होगा, यानी दोनों से नहीं हो रहा है तो छह से भी नहीं होगा। और देखते हैं चार, अब देखिए ये हम ऐसा संख्या लिए हैं जो चेक कर लेते हैं, चेक करिए, दो से तो होगा क्योंकि इकाई का स्थान छह है, दो से होगा, तीन से भी देख लेते हैं, चार तीन सात, सात पांच बारह, बारह छह अठारह, अठारह तीन से विभाजित होगा, तीन छह अठारह पूर्ण विभाजित होगा, यानी दो से भी हो रहा है तीन से भी हो रहा है, छह से होना ही होना है, ठीक है, यही रूल था, सो सिंपल। अब देखते हैं सात से, तो वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, बिल्कुल आपको मजा आ रहा होगा क्योंकि पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी आपको और आगे मजा भी आएगा जब क्वेश्चन मिलेगा आपको बनाने के लिए इस पर, ठीक है। तो फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखते हैं अब सात से विभाज्यता का नियम। कहता है जिस संख्या के इकाई अंक का दुगुना और शेष बची संख्या का अंतर सात से विभाज्य हो तो वह संख्या सात से भी विभाज्य होती है। जैसे हम देखते हैं 378 लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में हमने 378 ले लिया। कह रहा है इकाई अंक का दुगुना यानी 8 गुने दुई, ठीक है, बची संख्या क्या है 37 यानी 8 दुनी के 16, यानी 37 में से क्या करना है आपको 16 को घटा देना है, यही है, यही कह रहा है, ठीक है। कितना आएगा देखिएगा, एक और तीन है, तीन दो, ठीक है 21 आया, 21 सात से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, 70 की 21, यानी ये टोटल संख्या क्या हो गया, ये देखिए 21 आया, इसको सॉल्यूशन कितना आया 21। तो पूरी पूरी विभाज्य है कि नहीं, यहाँ देख लेते हैं, पूरी पूरी विभाज्य है, पूरी पूरी बिल्कुल है। चलिए दूसरा संख्या देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं थोड़ा, चार अंक ले लिया हमने, इसका दोगुना 9 दुनी 18 कर दीजिए, ठीक है, माइनस 18 इसमें से घटा दीजिए, कितना आएगा, एक हासिल लेगा 14, 8 6 14, तीन बचा, तीन में से एक जाएगा 2 8, अभी भी तीन अंक की संख्या है तो अभी फिर इसका दोगुना कर देते हैं, ठीक है, यहाँ 844 में से माइनस होगा, ठीक है, 9 गुने 2 लिख देते हैं, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब यहाँ 826 तीन अंक की संख्या है तो 6 दुनी के 12, कितना बचा 82 बचा, 82 माइनस कर देते हैं, 82 में से माइनस कर देते हैं, 82 में से कितना माइनस करना है 12, 2007। अब 70 क्लियर समझ में आ जा रहा है कि 7 से डिविजिबल है, यानी ये जो संख्या है क्या है 7 से पूर्ण विभाजित होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए पहला क्या किया हमने, इकाई अंक को दोगुना किया, बाकी का संख्या 844 बच रहा था, इसमें से 9 दुनिया 18 यानी जो दोगुना किया है उसको माइनस कर दिया, 826 है, अभी भी तीन अंक की संख्या है तो इकाई अंक को हमने दोगुना कर दिया 6 दुनी के 12 और बाकी बची संख्या 82 में से 12 को माइनस कर दिया तो कितना आया 70 आया। कोई दिक्कत हो बताइए, फिर से देखिए 9 दुनी 18 इकाई अंक को दोगुना कर दिया और जो बची संख्या 844 में से घटा दिया कितना आया 826, अभी भी तीन अंक की संख्या है, इकाई अंक को दोगुना किया है 12, बची हुई संख्या 82, 82 में से 12 को माइनस किया 70 आ गया। अब पता चल गया ना 70 सात से डिविजिबल है यानी विभाज्य है, तो ये क्या होगा, ये भी ये जो संख्या पूर्णता ये विभाज्य होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। इसको मिटा देता हूं, चलिए नोट करिए, कुछ और एग्जाम्पल देखता हूं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, चलिए मिटा दिया, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए ठीक है, अब हम चेक करते हैं है कि नहीं,
इसका इसका दुगुना 0 गुने 2, ठीक है, बची संख्या ये है यानी 497। अब इसमें से 0, ये तो 0 ही हो गया, 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 497 ही बचेगा। अब जो बची हुई संख्या 3 अंक की है तो अभी क्या है, अभी फिर हमें डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर से 7 से हम क्या करते हैं, इसमें फिर 2 से गुना कर देते हैं, इकाई अंक में 7 गुने 2, बची संख्या 49 माइनस 49, 7 दूनी के 14, 14 माइनस कर देते हैं, 5 4 9 और 3 35, अब 2 अंक मिल गए, 7 5 35, क्या है ये भी विभाज्य है। बस सेकेंडों में आप करेंगे, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जो समझ में आ जा रहा है इस तरह थोड़ा फास्ट बनना पड़ेगा आपको, तब जाके एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएंगे, टाइम की बचत कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ टाइम का सब खेल होता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन अटैम्प सब आता है लेकिन नहीं कर पाते हैं अटैम्प, अटैम्पिंग में प्रॉब्लम आती है, तो कहाँ प्रॉब्लम है, टाइमिंग में। तो टाइमिंग बचाने के लिए हमें ट्रिक चलना होगा, ट्रिक हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा। चलिए ये भी देख लिए, अब कुछ और लेते हैं संख्या, चलिए इसको चेक कर लेते हैं, इकाई का तो ये अंक लेते हैं, ज्यादा जाने से क्या होगा, 3 अंक ही लेते हैं, 9 9 2 18, इकाई अंक को दोगुना कर दिया, बची हुई संख्या 47 माइनस कर दिया, यानी 47 में से 9 दुनी 18 घटा देना है, ये 17 हो गया, 9 8 17, यहाँ 3 है तो 2 29, 29 कटेगा 7 से, नहीं कटेगा, तो ये नहीं है, ठीक है, ये जो संख्या है ये विभाज्य नहीं है। समझ में आ गया होगा आपका अच्छे से, नहीं समझे वीडियो को बार बार पीछे करके देखिए, 10 बार देखिए, जो अभी नए नए पढ़ रहे हैं, जो पुराने बच्चे हैं जो तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, जो नए बच्चे हैं 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, फिर भी नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या दिक्कत है, फिर मैं उसको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या कमेंट सेक्शन में आंसर देने लायक होगा वहां समझाऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अभी फिलहाल वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, एस से देखते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट आइए 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 8 से विभाज्यता, जिस संख्या में इकाई दहाई और सैकड़ा, जो इकाई दहाई सैकड़ा से मिलकर अंक बन रही है उससे, ठीक है, अंकों से बनी संख्या, अगर वो संख्या 8 से विभाजित हो जाए, इकाई दहाई सैकड़ा से मिलकर जो संख्या बन रही है, कोई भी संख्या हो, लंबी संख्या हो, उसमें हमें 3 संख्या लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा, वो 3 संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है तो पूर्ण संख्या 8 से पूर्ण विभाजित होगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, 8 7 5 2 4 8, ठीक है, अब इसमें हम पूरी पूरी विभाजित है कि नहीं चेक कर लेते हैं, पूरी पूरी विभाज्यता, विभाज्य, ठीक है, अब देखिए ये लास्ट की 3 संख्या इकाई दहाई सैकड़ा, ये इसको चेक करते हैं 8 से विभाजित है कि नहीं, 8 3 24, 8 1 8 हो पूर्ण विभाजित है। चलिए अब और भी एग्जाम्पल लेते हैं, 8 7 3 3 0, ये जो 3 0 है आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए, फिर वही 8 से भाग देंगे तो पूर्ण विभाजित होगी, बिल्कुल होगी, कितना बार में, 0 बार में जाएगा, क्यों, 8 0 0 करेंगे तो पूर्ण विभाजित 8 से होगा, तो ये भी क्या है, पूरी पूरी विभाजित होगी, चेक कर लीजिए 8 1 8 हो 72 है, चलिए तो 1 0 बैठा देंगे, 8 9 72, 1 बचा 10 हुआ, 8 1 8 हो, 2 बचा 20 हुआ, 8 2 16, 4 बचा 40 हुआ, 8 5 40, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो ये भी हो गया, और भी देख लेते हैं, 7 5 3 2 1 5, चेक कर लेते हैं 215 8 से पूर्ण विभाजित हो रहा है कि नहीं, 8 2 16 16 5 21, ठीक है, 8 2 16 16 5 21, 5 हुआ तो 5 5 55 हो गया, ठीक है, 55 में 5 से भाग दे, 8 से भाग देंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 8 7 56, ठीक है, 8 7 56 होगा, 55 नहीं होता है, 8 7 8 6 कितना होगा, 48 होगा, यानी 55 नहीं आने वाला, यानी ये 215 8 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये पूर्ण विभाजित 8 से, ये संख्या जो पूरी संख्या है 8 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। अच्छे समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, इसके बाद 9 यानी 9 से देखते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आइए देखते हैं 9 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है। जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 840 को देखते हैं, ठीक है,
चलिए 840 को हम देखते हैं जोड़ के, 8 प्लस 4 प्लस 0, 9 से विभाज्य होगी, 8 4 12, 12 9 से विभाज्य होगी, नहीं होगी, तो ये पूरी पूरी विभाजित नहीं है, पूरी पूरी विभाज्य देख लेते हैं है कि नहीं, विभाज्य ये नहीं है। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं, 8 4 6, चलिए इसको जोड़ के देखते हैं, 8 4 12, 12 6 18, जो 18 आया हमारा यहाँ लिख देता हूँ 12, जो 18 आया 9 से विभाजित होगा, 9 दुनिया 18, यानी पूर्ण संख्या ये 9 से विभाजित होगी, सो सिंपल। और भी देख लेते हैं, 7 5 6 9 9 1 8, अब इसको हम चेक कर लेते हैं है कि नहीं है, सिंपल देख लेते हैं, 7 5 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 1 28, 28 8 36, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36, 9 से कटेगा, 9 दुनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, बिल्कुल कटेगा, तो होगा विभाज्य, सो सिंपल, बहुत सिंपल है। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, इसके बाद 10 से देखते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए देखते हैं 10 विभाज्य होने का नियम। 10 विभाज्यता क्या कहता है, जिस संख्या का इकाई अंक शून्य यानी जीरो हो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट में जीरो होना चाहिए, 7 5 3 2 1 जीरो लगा दीजिए, यह 10 से विभाज्य होगा, पूरी पूरी यहां लिख लेते हैं, पूरी पूरी विभाज्य, जीरो लगा दिए हो गया, 7 3 2 1 3 7 5 जीरो लगा दीजिए हो गया, इकाई अंक जीरो होना चाहिए, 2 3 5 2 7 5 ये 10 से होगा, नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक इसका जीरो नहीं है, सो सिंपल, 10 से पूर्ण विभाजित नहीं होगा। ये नियम हम देख रहे हैं, बिल्कुल मजा आ रहा होगा आपको, 100% मेरे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब आपको इतना मजा आएगा क्वेश्चन जब बनाया जाएगा इन सब पे, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीखे हैं, जो पूरी तरह से हमें ट्रिक से सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर रहा है। तो वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, नोट डाउन करिए, फिर 11 से देखते हैं विभाज्यता का नियम क्या कहता है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर जीरो हो या 11 से विभाज्य हो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7 सम का स्थान कौन कौन सा है, ये दोनों है, विषम विषम वाला ये तीन है, चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, 9 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 प्लस सॉरी सम स्थान पे क्या है 3 प्लस 9 विषम पे क्या है 7 5 9 लिख लेते हैं, 7 5 4 ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई, 9 3 कितना होगा 12, 7 5 12 और 12 में से 4 गया, 7 5 12 16 कितना आएगा चेक कर लेते हैं, 12 में से 16 जाएगा, अंतर यहाँ 4 आएगा, माइनस 4 आएगा, लेकिन हम केवल अंतर देख रहे हैं क्या डिफरेंस है, तो 4 का अंतर आएगा। अब ये 4 ना तो 0 है नहीं तो 11 से ये विभाजित हो रहा है, तो ये जो कुल संख्या है वो 11 से विभाजित होगा नहीं होगा, यहां लिख लेते हैं पूरी पूरी विभाज्य, ठीक है ये होगा नहीं होगा, तो जो पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा ये पूर्ण विभाज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं है, 9 3 12 ठीक है, 9 3 12 चलिए ये सही है, 7 5 12 और 12 4 16 4 का डिफरेंस आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं ये नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है
चलिए देखते हैं 49,526, इसमें ये दोनों सम है और ये तीनों विषम है, 9 2 11 माइनस 6 5 11 4 15 कितना आएगा डिफरेंस देख लेते हैं। यहां भी डिफरेंस कितना आएगा 4 का, तो पूर्ण विभाजित है नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए और भी देखते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। यहां 4 ले लेते हैं, यहां 9 ले लिया, यहां हमने ले लिया 1 ले लिया, यहां 2 ले लिया, यहां 6 ले लिया। चलिए इसको देखते हैं, ये 9 2 क्या होगा, 9 2 11 सम का 11 हो गया, विषम का क्या होगा 6 1 7 4 6 1 7 7 4 11 सॉरी ये 9 2 11 और 6 और 1 7 7 4 11 अब इसका अंतर क्या आया 0, तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी, पूर्ण विभाजित होगी, सो सिंपल। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, हम ले लेते हैं 4 ले लिया, ठीक है, 4 के बाद हमने 7 ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है, और हमने यहाँ रुक जाइए, यहाँ हमने ले लिया 2 और यहाँ ले लिया 8। चलिए अब देखते हैं ये दोनों क्या है, दोनों हमारा क्या है, ये सम है, तो सम का योग 7 4 11 और चलिए 7 4 11 और भी देखते हैं इस इन तीनों का 8 1 9 9 2 11 11 में से 11 जाएगा 0, ये भी हो गया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, फिर कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, 132 देख लेते हैं। चलिए एक ही है सम संख्या, सम की जगह पर, तो सम का योग और विषम का योग कितना है 2 1 3, 3 में से 3 जाएगा 0, ठीक है। अब हम देखते हैं 0 आ गया, तो 0 आए या 11 से डिवाइजेबल है, जो अंतर आए वो 11 से पूर्ण कट जाए, तो चलिए ये 0 आया तो हो गया 11 से पूर्ण विभाज्य है, देख लेते हैं। इसको चेक कर लेते हैं, चलिए दहाई सम संख्या वाला क्या है, 3 है और 4 है, सम संख्या की जगह पर 3 और 4, तो 3 और 4 को जोड़िएगा, 3 और 1 को जोड़िएगा, 3 और 1 है तो 3 और 1 को जोड़िएगा 4 आएगा माइनस, चलिए ये विषम वाला जोड़ लेते हैं, 0 में 3 जोड़िएगा 3 और 3 में 1 जोड़िएगा 4, ये भी 4 आएगा, ठीक है, तो 4 में 4 जाएगा 0, तो ये भी पूर्ण विभाजित है। बहुत सिंपल था मेरे हिसाब से, अच्छे समझ में आपको आ गया होगा। अब देखते हैं 12 से, आइए देखते हैं 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है हमारा। तो 12 से विभाज्यता का नियम ये कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से क्या हो, विभाज्य होती है, ठीक है, वह संख्या 12 से विभाज्य होती है, यानी 3 और 4 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 का क्या नियम था कि सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने के बाद अगर 3 से विभाज्य हो, यो जो योगफल आ रहा है वो 3 से पूर्ण विभाजित हो रहा है तो संख्या 3 से विभाज्य होती है। 4 वाला क्या नियम था, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर जो संख्या बनती है वो संख्या अगर 4 से पूर्ण विभाजित होती है तो पूर्ण संख्या 4 से विभाज्य होती है। चलिए देखते हैं, जैसे हमने ले लिया 7 3 2 1, चलिए अब इसको हम चेक करते हैं पूरी पूरी विभाज्य है कि नहीं, पूरी पूरी विभाज्य, ठीक है। अब देखिए 3 से चेक करते हैं, तो 3 से कैसे चेक करते हैं, 3 प्लस 7 प्लस 2, 7 3 10 और 10 2 12, 12 क्या है 3 से पूर्ण विभाजित होगी। 3 से चेक करने वाला रूल देख लिए, अब हम 4 से चेक करने वाला रूल देखते हैं, 72 को देखेंगे 3 से पूर्ण विभाजित
है कि नहीं है, चार से पूर्ण विभाजित है कि नहीं है, यानी इकाई और दहाई की संख्या से मिलकर जो बनती है उसको चार से पूर्ण विभाजित होगी, तो पूर्ण संख्या चार से पूर्ण विभाजित होगी। देखते हैं, चार एकम हो चार हो तीन बचा, ठीक है, चार अवाठे बत्तीस, यानी कट जा रहा है चार से भी, तो हम क्या देख रहे हैं, बहत्तर जो है अपना चार से पूर्ण विभाजित हो जा रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे कि तीन और चार से विभाजित है, तो बारह से भी ये पूर्ण विभाजित होगा। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तीन सात तीन, चेक करते हैं, ये तीन सात तीन दस तीन तेरह, तेरह तीन डिवाइड होगा तीन से नहीं होगा, तीन से नहीं होगा तो चार से चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, तो नहीं होगा, ट्वेल्व से भी नहीं होगा। चलिए अब आगे हम थर्टीन से देखते हैं, अच्छे समझ में आपको आ गया होगा, वो संख्या की शर्त ये है कि तीन और चार से पूर्ण विभाजित होनी चाहिए, तो ट्वेल्व से भी पूर्ण विभाजित होगी। चलिए अब थर्टीन से देखते हैं, एग्जाम्पल भी आपके सामने रख दिया, अब थर्टीन से देखते हैं, तेरह से देखते हैं, वीडियो को नोट पॉज करके नोट कर लीजिए, तेरह से देखते हैं इसके बाद। मेरे प्यारे स्टूडेंट आइए अब तेरह से देखते हैं इसके बाद चौदह और पंद्रह से देखेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा इसको फास्ट जल्दी करने की कोशिश करते हैं। जिस संख्या के इकाई अंक के चार गुना और शेष बची अंकों का योग तेरह से विभाज्य हो, तो वह संख्या तेरह से भी विभाज्य होती है। देखते हैं, जैसे 884 ले लेते हैं, ठीक है, 884, अब इकाई अंक कितना है, चार, तो चार का चार गुना, चलिए कर देते हैं, बाकी शेष संख्या 88 बचा, इसमें 88 जोड़ देंगे, यानी चार चौका 16 जोड़ दीजिए, कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों, 814 और 819, ठीक है, 819 और 910, 104, अभी भी क्या आया, तीन अंक में आया, तो और छोटा कर लेते हैं। चलिए इकाई अंक में चार से गुना प्लस बची संख्या 10 है, 10 को जोड़ देते हैं, यानी 16 इसमें जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 26 आएगा। अब क्या है, 26 कट जा रहा है ना, 13 से 13 दुनी के 26, तो जो 884 है यह 13 से पूर्ण विभाज्य है, यहां लिख लेते हैं पूरी पूरी विभाज्य। इस तरह के और एग्जाम्पल आप बिल्कुल लेके देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, हम नेक्स्ट 14 वाला देखते हैं, करके देखिएगा, बिल्कुल आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं एक ही एग्जाम्पल दे पा रहा हूं। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं 14 से पूर्ण विभाज्यता का नियम, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। आइए दोस्तों अब 14 से विभाज्यता का नियम देखते हैं, तो कह रहा है कि जो संख्या 2 तथा 7 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 14 से भी विभाज्य होती है। एग्जाम्पल लेते हैं 3710, देखिए 2 से तो विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होने के लिए क्या कंडीशन है, 0 2 4 6 8, इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, अगर 0 2 4 6 8 इकाई अंक पे है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, तो 0 है तो ये 2 से विभाज्य होगी। अब हमें चेक करना है 7 से, 7 वाला रूल क्या कहता है, अब हमें 7 से चेक करना है, 7 वाला रूल ये कहता है, 7 से डिवाइड होने वाला रूल ये नियम ये कहता है कि इकाई अंक को दोगुना कर दीजिए, चलिए कर देते हैं, और बची संख्या में से घटा दीजिए, बची संख्या कितना है 371, 371 में से ये 371 माइनस 0 इक्वल टू 371, यानी यहां से हमने क्या घटाया 0, तो हमको क्या मिला 371 ही मिला। अभी भी तीन अंक की संख्या है, फिर रूल लगा देते हैं, इकाई अंक को दोगुना, बची संख्या 37 है, 37 में से हम 2 को माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 35, यहां चलिए यहां भी देख लेते हैं 35, अब दो अंक किया गया, 35 7 से विभाजित होगा, 7 5 35 बिल्कुल होगा, यानी ये संख्या 7 से विभाज्य है, यानी 2 से भी है 7 से भी है, तो 14 से भी विभाज्य होगा, सो सिंपल, यानी पूरी पूरी हम लिखेंगे यहां पूरी पूरी विभाज्य हो रहा है, टिक मार्क कर दीजिए, हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सो सिंपल। मेरे प्यारे स्टूडेंट वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, एग्जाम्पल ज्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए आप और भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए जो कि बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अभी फिलहाल वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, 15 का देखते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों आइए 15 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। कह रहा है कि जो संख्या 3 तथा 5 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 15 से भी विभाज्य होती है। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल एक 840। चलिए 3 से विभाज्य चेक करना है और हमें 5 से चेक करना है, ठीक है। तो 3 से रूल क्या कहता है, तीनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12 12 में जीरो जोड़ेंगे तो 12 ही रहेगा। अब ये क्या है, 3 चौका 12 12 3 से विभाज्य है तो ये 3 से तो विभाजित है 840, ये हमें पता चल गया। अब 5 से चेक करना है, 5 वाला रूल क्या कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो इकाई अंक 0 है, 0 5 हो तो 0 है, तो ये 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो हमारा ये 3 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है, तो 15 से होगा ही होगा। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, यहां लिख लेते हैं पूरी विभाज्य है, टिक मार्क कर दीजिए है। चलिए देखते हैं 750 देखते हैं, 7 + 5 + 0 3 से चेक करते हैं, 3 से क्या कहता है, सबको जोड़ दीजिए, अगर उसका योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। 7 5 12 12 में जीरो जोड़ेंगे 12 ही आएगा, तो 3 चौका 12 यानी 12 3 से विभाज्य है, यानी 750 भी 3 से विभाज्य होगी, रूल यही कहता है। चलिए अब 5 से चेक करते हैं, 3 से तो है इकाई अंक या तो 0 या तो 5, तो 0 है तो 5 से भी होगा, तो 3 और 5 दोनों से होगा तो 15 से भी होगा, तो होगा तो ओके है। चलिए आगे देखते हैं, हम ले लेते हैं एक और 756 ले लेते हैं, सबको जोड़ देते हैं, 7 + 5 + 6 7 5 12 6 18 18 3 से विभाज्य होगी, 3 6 18 बिल्कुल होगी, इट मीन 756 3 से विभाज्य है। 5 से है कि नहीं, तो 5 से चेक करेंगे अगर हम, तो 5 से ये नहीं है, कैसे, 5 से होने के लिए इकाई अंक 0 हो या तो 5 हो, तो यहाँ क्या है 6 है, 0 5 में कोई एक होना चाहिए जो कि नहीं है, 6 है तो 5 से विभाज्य नहीं होगा। अच्छा कंडीशन क्या है 15 से, कि 3 से भी हो 5 से भी हो, तो 3 से तो है लेकिन 5 से नहीं है, तो दोनों से होना चाहिए था, तो 1 से नहीं है, इसका मतलब ये 15 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्रॉस मार्क कर देते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारा कुछ यहाँ मिल रहा है, कंपटीशन का भी हिस्सा मिल रहा है, 7th 8th 9th 10th 11th 12th का भी हिस्सा पार्ट वाइज करके आपके सामने आ ही रहा है, तो सब कुछ सारा मटेरियल मिलेगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा चीज आपको मिल रहा है। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें, फेसबुक वाल पे जाकर शेयर करें, फ्रेंड के साथ करें, ग्रुप में करें, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में करें, व्हाट्सएप में फ्रेंडों के साथ करें, ठीक है, क्योंकि नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा भी मनोबल बढ़े, क्योंकि जितना चैनल सब्सक्राइब होगा, जितना लाइक वीडियो को पड़ेगा, उससे हमारा क्या होगा, मनोबल काफ़ी बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।